22 नवंबर पिछले मंथ मुजफ्फरपुर के आई केयर सेंटर में 65 लोगों की ऑपरेशन किया गया है और अभी तक खबर आया है कि 15 लोगों का आँख खराब हो गया है, जिसके कारण उसके वो जो ऑपरेशन जो मोतियाबिंद का हुआ था उसमें से 15 लोगों की आँख निकाली गई है। और आप मैं बताता हूँ, 15 लोगों के बाद एक महिला थी जिसकी मौत हो गई है और कई ऐसे मरीज जो हैं जो अभी बेड पर लेटे हुए हैं और आशंका ऐसी जताई जा रही है कि अधिकांश मरीजों की आँख निकाली जाएगी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? कि 15 साल बेमिसाल आप तो छपवाए हैं, पूरा बिहार ने ये पोस्टर देखा है, 15 साल बेमिसाल। इसी तरह के बड़े बड़े होर्डिंग भी और लगवाते हैं, होर्डिंग पर इतनी खर्चा होती है, लेकिन कभी भी आपको स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपको कभी नज़र आई है? हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये कभी भी हमारी बिहार सरकार को इस पर नज़रअंदाज कभी भी उस पर नज़र नहीं जाती है। मैं आपको बताता हूँ पटना की स्थिति कैसी है। पटना में मैं अभी हूँ और पटना के दो बड़े हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं पीएमसीएच और आईजीएमएस के कभी आप गए हैं, मैं आपको निवेदन करता हूँ भूल करके भी कभी आप इमरजेंसी में पीएमसीएच और आईजीएमएस नहीं जाइएगा, नहीं तो आप मरीज लेकर के लौट कर नहीं आइएगा। और पीएमसीएच की स्थिति ऐसी है जो मैं अगर वहाँ पर अभी दिखाने के लिए आपको ले जाऊँ तो वहाँ के स्टाफ पुलिस प्रशासन जितने भी होंगे हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। भाई क्यों भाई, हॉस्पिटल में अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो या हॉस्पिटल तुम्हारा सही है तो दिखाने दो मीडिया वाले को। आपको मैं बताता हूँ, एक साल पहले प्रशांत राय हॉस्पिटल गए थे पीएमसीएच दिखाने के लिए, पीएमसीएच की स्थिति दिखाने के लिए। रात में क्या किया गया उनके साथ? बदसुल्की तो छोड़िए, बदसुल्की तो दूर की बात, मार मार करके उनके आँख पैर तोड़ दिया गया, हाथ पर इतना पीटा गया था, बेचारा अगले दिन आकर के बोल रहे थे कि ऐसा मेरे साथ किया गया था। अब बताइए, और भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, चलिए छोड़िए पीएम प्रशांत राय की, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गया था आईजीएमएस, वायरल फ्लू था, उसमें मैं गया था जो उसका रिपोर्ट अवेयरनेस करने के लिए, थोड़ा डॉक्टरों से कंसेंट लेने के लिए, क्या है इसके लक्षण क्या, ये करने के लिए। उनको पता चल गया आईजीएमएस वाले को ये मीडिया वाले आए हैं, कुछ ज़रूर दिखाएंगे कुछ ना कुछ। वो क्या किए, 5-10 स्टाफ को भेज दिए। मुझे आश्चर्य लगा, यार ये लोग क्या दिखाना, किसको हमको रोकने के लिए, क्या चीज़ हम दिखा देते कि हमको रोकने के लिए इतना लोग आए। बाद में अंदर गए, पता चला उसकी स्थिति, वास्तविक स्थिति तो मैं आपको दिखाया नहीं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर के, पिछले वीडियो में वहाँ की स्थिति क्या थी। वहाँ की स्थिति मैं गलत तरीके से रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन इसकी इतनी कंडम स्थिति थी उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आखिरकार मैं आपको आज इसलिए कह रहा हूँ, बिहार में जो 15 लोग हैं जो अपने आँख खो चुके हैं और एक लोग जो अपनी माँ खो चुके हैं, जो एक महिला अपनी जान खो चुकी है, आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाइए। और कई ऐसे मरीज हैं जो अभी बेड पर लेटे हुए हैं, हो सकते हैं उसकी भी संभावना है, वो भी अपना मोतियाबिंद, इतनी छोटी ऑपरेशन मोतियाबिंद को माना जाता है, बड़ा ऑपरेशन मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मोतियाबिंद एक मामूली डॉक्टर करता है, और मामूली डॉक्टर कोई भी उसमें कोई व्यवस्था नहीं रखा गया, उसकी आँख खराब हो गई। आप इमेजिन करिए, आँख से ही आप पूरा संसार देखते हैं और फिर वो आँख किसी का एक मामूली ऑपरेशन में चला जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री को पनिशमेंट किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, मैं यही पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को। तो इस विषय में अवश्य पनिशमेंट करना चाहिए, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 15 साल आपने बेमिसाल छपवा दिया है। 15 साल कभी ये भी ध्यान देते ना कि हमारे हॉस्पिटल कैसा है, उसका रिपोर्ट निकालते ना, हर चीज़ का हॉस्पिटल निकालते। अभी कैग का रिपोर्ट निकला था, कैग के मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, कैग का रिपोर्ट निकला था, बिहार जो है 1.98 लाख करोड़ रुपीज जिसके ऊपर में डेप्ट हो गया है, वहाँ पर उस पर कोई बात नहीं हो, लेकिन हाँ 15 साल बेमिसाल छपवाने के लिए पूरे बिहार में पोस्टर लगवा दिए हैं। कोरोना टीका देखिए, छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन अपना देखिए ना कितना बड़ा पोस्टर लगवाए हैं। उधर देखिए इधर ये नीतीश कुमार कितना बड़ा, वो जो पोस्टर है 2 गज की दूरी मास्क का जरूरी, इतना छोटा में बच्चा दिख रहा है, दूर से दिखेगा भी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार बड़े मतलब अपने पोस्टर में सबसे बड़ा अंश जो है उन्हीं का है, प्रणाम करते हुए। ये भाई क्या है, ये अपना प्रचार नहीं तो और क्या है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सामने देखिए, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं, इतना बड़ा बड़ा जो आप अपना अंश छपवाए हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आपको बिहार राज्य और बिहार के राज्य की जो पैसा है आप पूरा तरह से बर्बाद कर रहे हैं, और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप ही को मानूंगा और किसी को भी नहीं। आप लोग बिहार से कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार कहाँ से? जहानाबाद से। ये न्यूज़ सुने हैं जो 15 लोग अपने आँख जो ऑपरेशन मोतियाबिंद जैसे छोटे से ये ऑपरेशन में अपना 15 लोग अपने आँख गवा दिए और एक लोग अपना जान गवा दिए, एक महिला अपनी जान गवा दी, ये न्यूज़ सुने और कई ऐसे मरीज अभी बेड पर लेटे हुए हैं, सुने हैं? या सुने हैं इसके बारे में। क्या रिस्पॉन्स है आपका इसके बारे में? उनकी लापरवाही हुई है, लापरवाही होनी नहीं चाहिए थे एक्चुअली। इसके पहले जो जहाँ पर भी किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था ना करके वहाँ पर शिविर लगाती है,
तो आने से पहले जो वहाँ का जो डीएम होता है, जिस जिले मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर के प्रशासन को आके पहले चेक करना चाहिए था। उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है हर टाउन में। पटना में आप रहते हैं? आप भी पटने में रहते हैं ना? पटना का स्वास्थ्य व्यवस्था पीएमसीएच कभी गए थे? अभी तक एम्स गए हैं, पीएमसीएच नहीं गए। ये आईजीएमएस पीएमसीएच के भी गए थे? हाँ, हम हमेशा जाते रहते हैं हम। अच्छा, पीएमसीएच आप गए थे? हाँ, हमेशा जाते। पीएमसीएच की स्थिति बताइए। बहुत बुरी है पीएमसीएच की स्थिति, तो बहुत ज़्यादा बुरी है। वहाँ पर भीड़ ज़्यादा, एक्चुअली वहाँ पर जो पेशेंट है डॉक्टर लोग वैसे ट्रीट नहीं करते हैं एक्चुअली फिजिकल। बाय द वे कोई एग्जांपल मैं देकर बताता हूँ। अभी कोई सरकारी हॉस्पिटल गए थे आप? जी कौन सरकारी हॉस्पिटल, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह सदर हॉस्पिटल बनाया जाता है। स्थिति देखिए उसके अलावा। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है, बिहार सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। वहाँ का इमरजेंसी सेक्शन हो या आईपीडी सेक्शन हो या ओपीडी सेक्शन हो, वहाँ लापरवाही है, साफ सफाई नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको, यहाँ तक कि मैं आपको, कचरा तो छोड़िए, एक नॉर्मल पीएचसी हॉस्पिटल में पैरासीटामोल नहीं रहता है। हाँ देखिए, जैसा अगर देखिए, मानते हैं कहीं ना कहीं लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन डॉक्टर पूरा ब्लेम डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं इसमें। कई ज़्यादा अगर किसी को दोष दिया जाए तो मेरे ख्याल से सरकार है, पॉलिटिशियन है, सरकार, हमारी सरकार इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल, 100% इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल देते सरकार को। उसी को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ध्यान देना चाहिए साफ सफाई से लेकर के प्रत्येक दवाई का, अगर ओटी है तो ओटी का, यानी कि हॉस्पिटल के ओवरऑल जितना भी मेंटेनेंस है, डेवलपमेंट है, जो भी कुछ भी हो रहा है, इमरजेंसी केसेस आते हैं, कैसा भी केसेस, सभी पे ध्यान देना, रोगी को, मतलब पेशेंट को सही, बिहार में क्या आपको लगता है, सही से इलाज देना, किसी को पैसा का दिक्कत है तो मैनेज करके चलना। प्राइवेट का भी बात कर रहा है, ऐसा नहीं सरकारी का। मैं आपको पूछ रहा हूँ ये बात, बिहार में आपको क्या लगता है इमरजेंसी हॉस्पिटल में लोग सरकारी हॉस्पिटल नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन में लोग सरकारी हॉस्पिटल नहीं, पॉसिबल नहीं आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका पूरा श्रेय कितना भी बड़ा हॉस्पिटल, आईजीएमएस का आप नाम ले लीजिए, आप पीएमसीएच का नाम ले लीजिए, आप कोई पटना एमसी का क्यों नहीं नाम ले लीजिए? लोग डरते हैं, देखिए जान की बात है, जान के लिए कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लापरवाही करें, तो लोग जानते ही हैं कि यहाँ के सरकार कैसा हॉस्पिटल का हाल रखा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग जाएंगे कहाँ अप्रोच करेंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल। इतना भी बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मेडिकल, इंटरनेट, सैनिटाइजेशन, जितना भी है, ये सारे चीज पे बिल्कुल बेसिक नीड पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम ये बेसिक सुरक्षा पे, सुरक्षा भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा सुरक्षा, लोग को ऐसा स्वास्थ्य ऐसा ट्रीटमेंट प्रदान किया जो अफोर्डेबल हो, सर्विस बढ़िया हो, अच्छे लोग कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, यानी कि पूरा नेशनल। लेकिन क्वेश्चन यही है, जब लोगों को जरूरत पड़ता है तब लोग सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लोग जाते प्राइवेट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देने लायक उनके, क्योंकि बिहार का जो स्थिति होता है, यहाँ पे 90% जो लोग होते हैं मीडियम क्लास से, फैमिली से बिगड़, और मिडिल क्लास जो है कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े हॉस्पिटल है। इसलिए मैं कहता हूँ, बिहार सरकार से निवेदन करता हूँ, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना है, मैं पंकज झा कैमरामैन सनोज के साथ, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.